बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर प्रतिभा प्रोत्साहन परीक्षा 2019। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। बिहार में चुनावी साल आ गया है, लगभग 8 महीने के बाद चुनाव होने वाले हैं और चुनाव को लेकर के हर पार्टी अपने अपने तरफ से तैयारियां शुरू कर चुकी हैं। जहां आपने देखा कि कल भारतीय जनता पार्टी ने जिला स्तर पर अपने अध्यक्ष और कमेटी का गठन कर दिया, वहीं अब राष्ट्रीय जनता दल में काफ़ी जम करके लोगों में खुशी है। और खुशी इस बात की है कि एक बार फिर से लालू प्रसाद को 11वीं बार राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया है। इसकी घोषणा राष्ट्रीय अधिवेशन में की जाएगी। आज राजद के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है और इस बैठक के बाद कल यानी 10 दिसंबर को राष्ट्रीय परिषद की बैठक और खुला अधिवेशन होगा। राष्ट्रीय परिषद की बैठक में नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में लालू प्रसाद के नाम की घोषणा विधिवत रूप से कर दी जाएगी। राष्ट्रीय सहायक निर्वाचन पदाधिकारी चित्रंजन गगन ने बताया कि कार्यक्रम में भाग लेने के लिए दूसरे प्रदेशों से पार्टी प्रतिनिधि आने लगे हैं। अब तक केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के प्रतिनिधि पटना पहुंच चुके हैं। अन्य प्रदेशों के प्रतिनिधि भी कल पटना पहुंच जाएंगे। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक यहां गांधी मैदान के पास एक होटल में अपराह्न 1 बजे से प्रारंभ होगा। इसमें खुद तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, राबड़ी देवी और पार्टी के अन्य पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। बैठक को संबोधित करेंगे नए प्रदेश अध्यक्ष जगतानंद सिंह। इसके साथ ही पार्टी में इस बात की खुशी है और कार्यकर्ताओं में इस बात की खुशी है कि लालू प्रसाद के नेतृत्व में ही आने वाला 2020 का चुनाव लड़ा जाएगा। आपको बता दें कि पटना के मौर्या होटल में आज कार्यकारिणी की बैठक के बाद कल के अधिवेशन की भी घोषणा की जाएगी, जिसमें शिरकत करने के लिए देश भर से पार्टी के पदाधिकारी और नेतागण पहुँच गए हैं। उद्घाटन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव करेंगे। बैठक में राष्ट्रीय परिषद की बैठक और खुले अधिवेशन में प्रस्तुत किए जाएंगे कई प्रस्ताव। इन प्रस्तावों की चर्चा भी होगी और इसके बाद पार्टी के स्ट्रेटजी पर भी खुलासा किया जाएगा। बैठक के लिए तय सभागार का नाम जननायक कर्पूरी ठाकुर सभागार रखा गया है। राष्ट्रीय परिषद की बैठक बापू सभागार में होगी। उसी बैठक में लालू प्रसाद को प्रतिनिधि के और निर्वाचित प्रमाण पत्र भी दे दिया जाएगा, यानी कि 11वीं बार लालू प्रसाद यादव पार्टी के अध्यक्ष बन जाएंगे। आपको बता दें कि पार्टी के गठन से लेकर अब तक लालू प्रसाद लगातार राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष रहे हैं। एक बार फिर उनके मनोनयन से पार्टी में खुशी है और इसके साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि 2020 के चुनाव में लालू प्रसाद सदैव शामिल होंगे और स्ट्रेटजी बनाकर विरोधियों पर कहर बरपाएंगे। देखने वाली बात यह होगी कि अधिवेशन में और क्या कुछ निकलकर सामने आता है। भारत लाइव के साथ बने रहें, हमारी नज़र खबरों पर है, आपकी नज़र भारत लाइव पर होनी चाहिए। यदि आपने अब तक भारत लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बगल में बेल है उसे जरूर दबा दें, जिससे सभी खबरें आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाएं। नमस्कार। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।